नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, BHU ऑफिशियल ने संकेत दे दिया है कि 15 अप्रैल को आखिरी फैसला होगा, BHU एंट्रेंस एग्जाम को टाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लगातार हमारी नज़र इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। हम लगातार आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से संकेत देते रहते हैं कि BHU एंट्रेंस एग्जाम इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से टलने वाला है। और आज एक बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने आए हैं जिसमें BHU ऑफिशियल ने भी यह संकेत दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक खबर के मुताबिक टल सकती है BHU प्रवेश परीक्षा। BHU की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव होगा, ऐसा लॉकडाउन की बढ़ती अवधि के वजह से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चूंकि लॉकडाउन कल समाप्त हो रहा है 14 को, और लॉकडाउन की तिथि बढ़ाई जाएगी, इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एंट्रेंस एग्जाम को भी टालने का संकेत दे दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से अभी कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी कोई सूचना नहीं जारी हुई है, लेकिन इस खबर के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि 15 अप्रैल को परीक्षा नियंता मनोज पांडे जी ने बताया है कि इस संदर्भ में 15 अप्रैल को एक बैठक होगी। BHU के सभी प्रशासनिक जो भी लोग हैं उनकी बैठक होगी, और उसमें तय किया जाएगा कि BHU एंट्रेंस एग्जाम को टाला जाएगा और उसका शेड्यूल क्या होगा। इस सब विषय पर 15 अप्रैल को आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए, जैसे ही 15 अप्रैल को वहाँ बैठक होती है और जो डिसीजन आएगा सबसे पहले हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और भी दोस्तों, चूंकि आप सभी लोग घरों पर बने हुए हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसलिए लगातार हम आपके तैयारी से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जैसे हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम कुछ टिप्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि BHU एंट्रेंस एग्जाम को आप किस प्रकार से देखें कि एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। फिर BA की तैयारी कैसे करें, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करें, ऐसे ही अनेक विषयों पर हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आने वाले हैं। और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमसे अगर कांटेक्ट करना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया हुआ है, सीधे व्हाट्सअप पर मैसेज करके, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, जो भी जानकारी की आवश्यकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।